ओके तो मैं बता रहा था कि हमारे पास दो तरह की रिकन्सिलेशन हैं, बैंक रिकन्सिलेशन एंड कंट्रोल अकाउंट रिकन्सिलेशन। तो ये दोनों टॉपिक्स आपस में रिलेटेड हैं, काफ़ी हद तक रिलेटेड हैं, और काफ़ी इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं काफ़ी सिमिलर हैं, ठीक है। बट आज वाली जो क्लास है उसके अंदर हम ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे किस टॉपिक को, बैंक रिकन्सिलेशन को, ठीक है। इस वाले को आज हम देखेंगे, और जो कंट्रोल अकाउंट है उसको हम नेक्स्ट वाली क्लासेस में देख रहे होंगे जब इसके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ बैंक रिकन्सिलिएशन की। ओके, अभी बहुत सिंपल है, आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली इसका कॉन्सेप्ट ही आज हो पाएगा, क्वेश्चंस मोस्ट प्रॉब्ली हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके, ठीक है। तो बैंक रिकन्सिलिएशन में क्या होता है कि हमने दो चीज़ों को एग्री करना है, ठीक है। अब ये सिर्फ इसका टॉपिक है बैंक रिकन्सिलिएशन का, और इसमें हमने दो चीज़ों को एग्री करना होता है, ओके। एक होती है हमारी कैश बुक। अब कैश बुक आपको पता है, ये हम लोगों ने पढ़ी है, इट इज़ अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, राइट। ये जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं सबसे पहले कैश बुक के अंदर की जाती हैं, राइट। एग्जैक्टली, प्राइम इंटरेस्ट यस। और ये जो हमारी बुक होती है ये क्या होती है, ये इंटरनल होती है, मतलब इंटरनल यूजेस के लिए होती है, और प्रिपेयर्ड भी इंटरनली होती है कंपनी के अंदर, ठीक है। कोई एक्सटर्नल इसका यूज़ नहीं होता। लेकिन दूसरा जो हमारे पास बुक है वो है हमारे पास बैंक स्टेटमेंट, राइट। बैंक स्टेटमेंट। नाउ ये जो बैंक स्टेटमेंट है ये हम प्रिपेयर नहीं करते, ये बैंक वाले हमें देते हैं, या तो हम ऑनलाइन डाउनलोड कर लेते हैं, राइट, या फिर हमें मेल हो जाती है हमारे एड्रेस पे, फिजिकल भी हो सकती है, ऑनलाइन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये होती है एक्सटर्नल। तो कैश बुक इंटरनल है, बैंक स्टेटमेंट एक्सटर्नल है, ओके। अब कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं टाइमिंग डिफरेंसेस, टाइमिंग डिफरेंसेस। अब टाइमिंग डिफरेंसेस क्या होते हैं कि पेमेंट्स की टाइमिंग में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, राइट। आपको पता है एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं बैंक क्लियरिंग प्रोसेस, राइट, बैंक राइट, क्लियरिंग आई नो प्रोसेस, दैट, यस। एग्जैक्टली। तो आप जब भी बैंक में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल चेक लेके जाते हैं, या किसी और बैंक का चेक हो गया, या अपने ही बैंक का चेक हो गया, अपने बैंक का तो नॉर्मली हो जाता है उसी टाइम डिपॉजिट, लेकिन अगर किसी और बैंक का है तो वो अकाउंट इंटर पे बैंक, एग्जैक्टली, वो इंटर बैंक्स के बीच में हर बैंक अपना अपना उसने टाइमिंग एग्री किया होता है कि ये वाला टाइम है, और लेट्स से 7 डेज में या 10 डेज में वो एग्री होएगा, और क्या होगा कि क्लियरिंग प्रोसेस में नॉर्मली 3 to 4 डेज या 5 6 डेज लग सकते हैं, ठीक है। तो तभी जाके आपके अकाउंट में एक्चुअली वो चेक जो है शो होएगा, कैश या तो ऐड हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, ओके, सही है। तो इन्हीं टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से कुछ चीज़ें हैं जो इसमें हैं और इसमें नहीं है, राइट, और कुछ चीज़ें होती हैं जो कैश बुक में नहीं होती बट बैंक स्टेटमेंट में होती हैं, ओके। तो उनको हम लोगों ने देखना है, और वही बेसिकली चीज़ें, वही चीज़ें जो अनरिकनसाइल्ड करती हैं इसको, तो वही चीज़ें जब हम ऐड करेंगे, जो मिसिंग चीज़ें होंगी जो हम ऐड करेंगे टाइमिंग डिफरेंसेस वाली, तब हमारे दोनों बैलेंसेस क्या हो जाएंगे, रिकनसाइल हो जाएंगे, ओके, राइट। तो मेन जो हमारा एम है इसके अंदर वो ये होता है कि वी हैव टू ब्रिंग कैश बुक बैलेंस एंड बैंक स्टेटमेंट बैलेंस एट वन पॉइंट, इसको एक पॉइंट पे लाना होता है हमें, ओके। सिर्फ बैंक रिकन्सिलिएशन में यही इसका प्रोसेस है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो कि दो टाइप की हैं, ओके, और ये टाइमिंग डिफरेंसेस की बात करूँ, ओके। तो फर्स्ट टाइप इनकी है कि आइटम्स प्रेजेंट इन बैंक स्टेटमेंट, आइटम्स प्रेजेंट इन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन कैश बुक, ओके। अब ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से या और रीजंस की वजह से भी जो कि बैंक स्टेटमेंट में शो हो रही होती हैं, जब आपको मंथ एंड पे या 6 मंथ्स बाद आपको बैंक स्टेटमेंट आती है उसमें शो हो रही होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो कैश बुक में नहीं होती, वही वाली, ठीक है, जो बैंक स्टेटमेंट में होती हैं और कैश बुक में नहीं होती, ठीक है। तो उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, देर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स, नीचे इनके टी अकाउंट भी मैं बनाऊंगा, फिर आपको वहाँ से भी समझ आ जाएगी। फर्स्ट वन इज़ बैंक चार्जेस, ओके, बैंक चार्जेस। फिर हमारे पास है स्टैंडिंग ऑर्डर, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका इंडिविजुअली क्या मतलब है, स्टैंडिंग ऑर्डर। देन वी हैव डायरेक्ट डेबिट, ओके, उसके बाद हमारे पास है डिस ऑनर्ड चेक इशूड, राइट, एंड देन वी हैव डिस ऑनर्ड चेक रिसीव्ड, ओके। ये हमारे पास 5 चीज़ें हैं जो कि बैंक स्टेटमेंट में तो शो होती हैं बट कैश बुक में शो नहीं होती, ओके। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाता हूँ, ओके। अब देखें, कैश बुक कौन सी चीज़ है, मैंने अभी अभी यहाँ पे लिखा है, इट इज़ इंटरनल थिंग, मतलब वो सिर्फ हम ही बना रहे हैं, किसी एक्सटर्नल का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है,
राइट। लेकिन बैंक स्टेटमेंट क्या चीज़ है, एक्सटर्नल है, ये बैंक वाले अपने स्टाइल से बनाते हैं कि उनके व्यू में क्या हुआ है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू में क्या चीज़ हुई है, राइट। ऐसे ही है नाउ, ये जो बैंक चार्जेस हैं ये आपको पता है, ये तो बैंक स्टेटमेंट में आते हैं। लेट से आपके पास डेबिट कार्ड है, आपके पास चेक बुक है, आपने SMS अलर्ट फैसिलिटी ऑन की हुई है, या बैंक से कोई और फैसिलिटी ली हुई है, उसके आपको चार्जेस पड़ रहे हैं, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट की फैसिलिटी ली हुई है, उसके भी चार्जेस होते हैं कभी कभी, राइट। कि हर मंथ आपको आपके मेलिंग एड्रेस पे बैंक स्टेटमेंट मेल करती जाए, राइट, उसके भी चार्जेस होते हैं। तो ये सारे जो चार्जेस होते हैं ये नॉर्मली अकाउंट ओपनिंग के वक्त ही एग्री किए जाते हैं, राइट। एग्री, ऐसे ही है। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जब आप भर रहे होते हैं तब ये चार्जेस पहले ही आपने एग्री करने होते हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे। आपको वीज़ा कार्ड चाहिए, यस चाहिए, चेकबुक चाहिए, यस चाहिए, SMS अलर्ट फैसिलिटी चाहिए, यस, उसमें यस नो दोनों की ऑप्शन होती है, राइट। तो ये इतने माइनर चार्जेस होते हैं या फिर ऑलरेडी पहले से एग्रीड होते हैं, तो ऑब्वियसली बैंक स्टेटमेंट वाले तो इनको शो कर रहे होते हैं, राइट। बट ये चीज़ें हमारी कैश बुक में नहीं आ रही होती, क्योंकि हमें एज ए कंपनी में, कैश बुक कंपनी के अंदर बन रही है ना, तो हमें याद नहीं रहता ऐसी चीज़ें, राइट। याद क्यों नहीं रहती, बिकॉज इतनी छोटी छोटी अमाउंट्स हैं, बैंक चार्जेस डिफरेंट हो सकते हैं, ट्रांजेक्शन पे चार्जेस हो सकते हैं, तो वो तो हमें तो नहीं पता चलेंगे ना, राइट। क्योंकि बिजनेस में तो हज़ारों ट्रांजेक्शन होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन, हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजेक्शन, तो वो तो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन चार्जेस या कार्ड चार्जेस या SMS चार्जेस, ये छोटी चीज़ें हमें तब ही पता चलेंगी जब बैंक स्टेटमेंट हमारे पास आ जाएगी मंथ एंड पे, राइट। तो ये चीज़ें बैंक स्टेटमेंट में तो प्रेजेंट होती हैं बट कैश बुक में नहीं होती, तो हमने क्या करना होता है, इनको कैश बुक के अंदर एड इन करना होता है, ओके, राइट। ये अभी मैं आपको टी अकाउंट से समझाता हूँ, यहाँ तक आपको समझ आ रही है, यहाँ तक क्लियर है, यस ओके, ग्रेट। yes. अब ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर और डायरेक्ट डेबिट हैं ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ये भी काफ़ी सिमिलर चीज़ें हैं। अच्छा, स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, स्टैंडिंग ऑर्डर ऑलवेज रिमेंबर, इसके अंदर अमाउंट भी फिक्स्ड होती है, नॉर्मली ये पेमेंट फैसिलिटीज़ होती हैं, आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि इस अकाउंट में या इन ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर लेट से मोबाइल बैलेंस मेरे मोबाइल में लोड कर दें हर फर्स्ट तारीख को, हर फर्स्ट की मंथ को, राइट। तो इसमें अमाउंट भी फिक्स्ड होती है और टाइमिंग जो है, दो चीज़ें यहाँ पे, अमाउंट और टाइमिंग, ठीक है, टाइमिंग भी इसके अंदर एग्जैक्टली फिक्स्ड होती है, ठीक है। अब ये इसकी एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं, लेट से आपने कोई चैरिटी में पेमेंट करनी है, राइट, और चैरिटी में पेमेंट करने के लिए आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि लेट से हर मंथ की 5 तारीख को, 5th डेट को आप जो है वो इस अकाउंट में ये चैरिटी के लेट से 1,000 रुपीज़ या 2,000 रुपीज़ सेंड कर दें, ठीक है। एक और इसकी एग्जाम्पल हो सकती है मोबाइल बैलेंस, काफ़ी जो कॉर्पोरेट वो हैं, कंपनीज हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो बेनिफिट्स देती हैं ऐसी देती हैं कि मोबाइल बैलेंस उनके मोबाइल में लोड हो जाता है और वो हर लेट से हर 1st डेट को हो जाता है, हर मंथ की 1st को, 1st नवंबर, 1st अक्टूबर, 1st दिसंबर, ओके। तो ये भी, क्योंकि इसमें देखें अमाउंट फिक्स्ड है और टाइमिंग फिक्स्ड है, हर मंथ की 6th डेट को पेमेंट होनी है, 1st को, 5th को, 10th को, जो भी है वो हर मंथ रेपिटेशन होती जाएगी उसकी, रिवाइज होती जाएंगी, ओके। ये स्टैंडिंग ऑर्डर है। लेकिन व्हाट अबाउट डायरेक्ट डेबिट, नाउ डायरेक्ट डेबिट क्या होता है इसको देख लेते हैं, डायरेक्ट, 1 सेकेंड, डायरेक्ट डेबिट, ओके। अब डायरेक्ट डेबिट का आपने वर्ड काफ़ी सुना होगा, यूके में यूज़ होता है, कनाडा में भी यूज़ होता है, हर जगह यूज़ होता है। इसमें क्या है, इसमें अमाउंट हमारे पास जो है वो इट कैन बी वेरिएबल, अमाउंट वेरिएबल हो यस सकती है, ओके। और जो वो टाइमिंग है वो दोनों हो सकता है, फिक्स भी भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, करीबन नॉर्मली वेरिएबल होता है, ठीक है, नॉर्मली ऊपर नीचे हो राइट सकता है। अब इसकी क्या एग्जाम्पल है, इसकी एग्जाम्पल ये है कि आपने लेट से किसी को पेमेंट करनी है, राइट, कोई आपको इन्वॉइस रिसीव हुई है सप्लायर की लेट से, या कोई आपने चीज़ खरीदी है ऑनलाइन और उसकी पेमेंट होनी है 5-10 डेज़ बाद, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसकी जो पेमेंट है, नीचे बैंक डिटेल्स उनकी लिखी होंगी, तो आप क्या करेंगे, जो भी सप्लायर पेमेंट है वो इसमें आ जाएगी, ओके। तो आप बैंक को इंस्ट्रक्शन किस तरह देंगे कि लेट से डेट का मैं कंफर्म नहीं कर सकता, किसी डेट पे भी ये बंदा आ सकता है पेमेंट लेने, राइट, तो आप काइंडली इसको पेमेंट दे दीजिएगा इसकी आइडेंटिटी कंफर्म करने के बाद, तो ये भी बैंक को एक इंस्ट्रक्शन होती है। लेकिन इसमें अमाउंट वेरिएबल होती है, बिकॉज यू सी कि लेट से आज मैंने परचेज़ की 1,000 की, राइट, नेक्स्ट मंथ मैं परचेज करूंगा लेट से 5,000 की, उससे नेक्स्ट मंथ मैं हो सकता है 3,000 की परचेज करूँ, राइट। तो ये वेरिएबल हो सकती है, बिल्कुल कभी भी फिक्स नहीं होती इसके अमाउंट, ओके। तो ये होता है राइट डायरेक्ट डेबिट। नॉर्मली यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में, यहाँ पे इसको बैंक ट्रांसफर भी कहते हैं, राइट, जैसे हम कहते हैं ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर कर दें, तो यही बेसिकली डायरेक्ट डेबिट, वायरलेस आई एम सॉरी,
बैंक ट्रांसफर मतलब यस वो यस जो यस ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, राइट? यस एग्जैक्टली बैंक ट्रांसफर। ओके, और स्टैंडिंग ऑर्डर भी फैसिलिटी होती है, इसको भी डिफरेंट नाम से जो है पुकारा जाता है, बट स्टैंडिंग ऑर्डर ही कहते हैं नॉर्मली। ओके राइट, तो ये हो गया हमारा, ये भी डिस्कस एंड ये भी हमारा डिस्कस हो गया। अब डिसऑनर चेक क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, डिसऑनर मतलब चेक, इसका मतलब क्या यह है, मतलब कोई मुझे मेरा जो मतलब क्लाइंट है वो मुझे एक चेक देगा एंड मैं बैंक में डिपॉजिट करूं तो वो मतलब उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं होता, लाइक यस दैट यस 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 एग्जैक्टली। तो इसको बेसिकली कहते हैं बाउंस चेक भी कहते हैं, बाउंस बैक हो जाता है ना चेक बाउंस बाउंस इजी वर्ड यस में। यस बाउंस एग्जैक्टली इसको वही चीज बाउंस बैक कहते हैं, बाउंस चेक। बाउंस बैक चेक। ठीक है, ये वो भी होता है। ओके अच्छा, अब डिसऑनर चेक हमारे पास दो तरह के हैं, इशूड भी है एंड रिसीव्ड भी है। ओके, रिसीव भी, तो सबसे पहले हम देखते हैं यस इशूड को। ठीक है, अब यस नाउ इशूड में क्या होता है कि हमने चेक इशू किया, राइट? लेट्स से मैंने आपसे कुछ सामान खरीदा 30 डेज पहले, और अब मैंने आपको चेक दे दिया, लेट्स से 10,000 का। ओके, मैंने 10,000 का यस आपको चेक दे दिया। अब आप जाते हैं अपने बैंक में, लोकल बैंक में। ओके, और लेट्स से आप आज ही बैंक चले गए या कल बैंक चले गए, एंड बैंक वाले आपको कहते हैं कि लेट्स से इस पे डेट रॉन्ग है या अमाउंट रॉन्ग है, या फिर आपका नेम मैच नहीं करा आपकी आइडेंटिटी कार्ड से, राइट? या फिर साइन जो है वो यस गलत हुए हैं, या ओवर राइटिंग हुई हुई है, डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, राइट? तो लेट्स से यस इसमें क्या होता है कि अब मैंने आपको चेक इशू किया ना, अब मैं अपनी बुक्स यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, राइट? तो मैं एज अ कंपनी इसमें क्या देखूंगा कि मेरी कैश बुक से तो ये माइनस हो गया होगा, राइट? मैंने कैश बुक में से इसको डिडक्ट कर लिया होगा, बिकॉज आई नो कि आप आज या कल जाके मैक्सिमम पेमेंट निकलवा लेंगे बैंक से, राइट? लेकिन फिर मुझे पता चलता यस है कि बैंक चेक बाउंस बैक हो गया, राइट? बाउंस हो गया, आपने मुझे फ़ोन राइट किया, आपने मुझे बताया कि लेट्स से इस पर डेट रॉन्ग है या ओवर राइटिंग हुई हुई है, राइट? तो इसका मतलब कि बाउंस बैक हो गया। तो अब जो मैंने अपनी कैश बुक में से डिडक्ट किया था, मैं वापस क्या कर लूँगा, कैश बुक में ऐड बैक कर लूँगा, कैश बुक के अंदर ऐड बैक कर लूँगा, बिकॉज वो अमाउंट कटी नहीं है ना, राइट? तो मुझे माइनस भी नहीं करनी चाहिए, वापस प्लस में कर दूंगा, तो इफेक्ट उसका जीरो हो जाएगा। ओके राइट, सही है, ये होता है डिसऑनर चेक इशूड। अब रिसीव्ड भी ऐसे ही है एग्जैक्टली। रिसीव मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, रिसीव में क्या होता है, रिसीव में होता है कि अगेन लेट्स से कि मुझे किसी कस्टमर से कैश मिला है, राइट? चेक में, तो मैं कैश बुक में वो चीज़ ऐड कर देता हूँ, राइट? लेकिन फिर मैं कस्टमर को बताता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली क्या आपका जो चेक है वो हो गया बाउंस बैक, डिसऑनर। ओके, डिसऑनर हो गया आपका चेक। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, मैं अपनी कैश बुक में से वो वापस माइनस कर लूँगा, कैश बुक में से मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पेमेंट एक्चुअली रिसीव नहीं हुई, तो उसको ऐड करने का क्या फ़ायदा, राइट? मुझे ऐड नहीं करना, मुझे वापस माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ऑपोजिट इफेक्ट हो जाता है बेसिकली। अब ये सारी चीज़ें क्योंकि हमने डिस्कस कर ली हैं, अब मैं इसको ज़रा टी अकाउंट में लिखता हूँ, तो आपको थोड़ी ज़्यादा अच्छी समझ आएगी उससे। ठीक है, एक एक ही टी अकाउंट में सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। ओके, अब यहाँ पे इसको टी अकाउंट बनाते हैं। ओके, यहाँ बनाते हैं कैश बुक। ओके, नाउ अगेन रिमेंबर, ये जो 5 चीज़ें मैंने ऊपर लिखी हैं, ये बैंक स्टेटमेंट में आ रही होती हैं, बट कैश बुक में नहीं आती। ओके राइट, नाउ अब सबसे पहले हमारे पास थे बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, राइट? यहाँ आ जाते हैं, बिकॉज ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, तो ऑब्वियसली कैश राइट एसेट होता है ना, क्रेडिट तो जो भी पेमेंट हो रही है, जो कैश डिडक्ट हो रहा है, वो क्रेडिट साइड पे आता है। लेकिन बैंक में ये चीज़ उल्टी होती है, मैं अभी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है? उस पर अभी हम राइट आते हैं। राइट ओके, राइट नो बैंक चार्जेस यहाँ आ गए, उसके बाद हमारे पास स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर भी यहीं पे था, बिकॉज ये भी पेमेंट इंस्ट्रक्शन होती है, अमाउंट फिक्स्ड, डेट फिक्स्ड। ओके, और फिर हमारे पास डायरेक्ट डेबिट है, इसमें अमाउंट वेरिएबल एंड टाइमिंग वेरिएबल होता है, ये यहाँ आ जाता है। ओके, नाउ इसमें जो है मुझे क्या करना है, डिसऑनर चेक रिसीव्ड यहाँ पे लिखना है। ओके, डिसऑनर चेक रिसीव क्यों यहाँ पे लिखूंगा, बिकॉज देखिए मैंने क्या लिखा है कि मैंने कैश बुक में पहले इनिशियली इसको ऐड कर दिया, राइट? लेकिन जब मुझे पता चला वो डिसऑनर है, तो मुझे अपनी कैश बुक में से वापस माइनस करना पड़ेगा, राइट? तो वही चीज़ मैंने की है, कैश बुक में से माइनस कर दिया, क्योंकि जब मुझे कैश मिला होगा, लेट्स से 1,000 का कैश मिला है, तो मैंने यहाँ पे उसको लिख दिया होगा, राइट? लेकिन अब मुझे पता चला कि चेक बाउंस बैक हो गया, तो मुझे वापस 1,000 से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो देखें इफेक्ट जीरो हो गया, कट ऑफ हो जाते हैं। हाँ ओके ओके यस यस ओके, यस यस इसको मैं अरेज कर देता हूँ।
तो डिसऑनर चेक इशूड जो है वो यहाँ पे डेबिट साइड पे आ जाते हैं, क्योंकि कैश बुक में ऐड हो जाते हैं। क्योंकि आपने क्या किया होगा, जब आपने चेक दिया होगा उसी डेट पे आपने, लेट से 1500 का आपने चेक दिया, उसी डेट पे आपने माइनस कर दिया होगा कैश बुक से, ठीक है। माइनस कर दिया। लेकिन फिर कस्टमर ने आपको बताया कि जो कैश सॉरी सप्लायर ने बताया कि आपका जो चेक है वो बाउंस बैक हो गया, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स आपको कैश बुक में वापस ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट एक्चुअली कटी नहीं है बैंक से। ओके राइट, सही है। तो ये हो गया हमारे सारे सारी चीज़ें कैश बुक वाली, और ऑब्वियसली ये इसका टोटल आ जाता है, एंड दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, एक रूल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, दिस यू हैव टू रिमेंबर, हमेशा याद रखें, ऑलवेज रिमेंबर, कि रिकन्सिलेशन का बेसिकली जो पर्पज़ है वो यही है, जो मकसद है ना वो यही है। ओके, हमारे जो कैश बुक है उसका क्लोजिंग बैलेंस जो है, क्लोजिंग बैलेंस दैट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग स्टेटमेंट बैलेंस। ओके, क्लोजिंग तो बैलेंस। आपने जो भी क्वेश्चन करना है वो इस अप्रोच से करना है कि हमेशा दोनों का क्लोजिंग बैलेंस एग्री करना चाहिए हर केस के अंदर। ओके राइट, तो ये हमारी किसकी डिस्कशन होगी, ये हमारी डिस्कशन होगी कैश बुक की, ये सारी, ठीक है। कैशबुक अगेन ये आइटम्स बैंक स्टेटमेंट में होती हैं बट कैश बुक के अंदर ही नहीं होती। कैशबुक पे नहीं ओके, है। राइट, अब इसका ऑपोजिट डिस्कस करते हैं, वो चीज़ें जो कैश बुक में कैशबुक हैं पे होता है बट बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट नहीं राइट। है। एग्जैक्टली, अब इसको यहाँ मैं लिखता हूँ, नंबर टू आइटम्स अवेलेबल इन कैश बुक बट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट यस। ओके, अब इनको डिस्कस करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो आइटम्स जो कैश बुक में हैं बट बैंक स्टेटमेंट के अंदर नहीं है। ओके, तो इस तरह की जस्ट हमारे पास टू ही एग्जांपल्स हैं, दो एग्जांपल्स हैं, ओनली दो चीज़ें, ऊपर तो फाइव चीज़ें थी ना ये वाली, बट यहाँ पे ओनली टू थिंग्स। ओके, पहली चीज़ जो है यहाँ पे वो है अनप्रेजेंटेड चेक्स। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फुली विद एग्जांपल, हम इसको समझेंगे, ठीक है। और सेकंड जो है वो है अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स, लॉजमेंट भी कह सकते हैं इनको, डिपॉजिट्स भी कह सकते हैं, बिकॉज लॉजमेंट्स एंड डिपॉजिट दोनों का एक ही मीनिंग होता है। ओके राइट, तो ये दो ही ऐसी चीज़ें हैं जो हमने कैश बुक में लिखी होती हैं बट बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं होती। ओके, अब इसकी जो है यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि ये क्या चीज़ है। ओके, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ अनप्रेजेंटेड चेक्स को, ठीक है, और नीचे अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स को देखेंगे। अब देखें अनप्रेजेंटेड चेक्स का क्या मतलब है, अनप्रेजेंटेड का मतलब है ये जो ये वाला वर्ड है अनप्रेजेंटेड, इसका मतलब है कि आपने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया चेक, बैंक के काउंटर पे चेक प्रेजेंट नहीं किया। अच्छा, ये जो चीज़ है ना ये हमेशा जो है दिस इज कनेक्टेड विद पेमेंट्स, ये हमेशा पेमेंट से कनेक्टेड होती है ऑलवेज। ओके, तो जो रिसीट से कनेक्टेड है वो ये है अनक्रेडिटेड लॉजमेंट, जब आप पैसे रिसीव करेंगे, ये हमेशा आपने एज्यूम करना है कि आप पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, यू आर पेइंग समवन अनप्रेजेंटेड अनप्रेजेंटेड चेक्स को, अनप्रेजेंटेड यस यस एग्जैक्टली। ओके, ओके नाउ अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट से आज है 30th अक्टूबर, लेट से आज 30th अक्टूबर है, राइट, एंड आपने जो है सप्लायर को पेमेंट करनी है, उसकी पेमेंट ड्यू हो गई है बिकॉज एंड ऑफ मंथ आ गया, एंड लेट से $1000 आपने उसको देने सप्लायर को। ओके, तो आप क्या करते हैं कि आप चेक जो है अपने चेकबुक खोलते हैं, उसमें सप्लायर का नाम $1000 लिख के उसको दे देते हैं। ओके, नाउ डेट क्या है, 30th अक्टूबर, राइट, आपने इसी डेट को चेक दे दिया उसको। ओके, लेट से 31st अक्टूबर को वीकेंड है या हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे या वीकेंड कुछ भी है, राइट, तो बैंक्स आर नॉट ओपन, तो सप्लायर तो कल नहीं जा सकता, और लेट से आज भी शाम हो गई है, लेट से 7 PM हो गया आज जब आपने उसको चेक दिया। ओके, तो अब ऑब्वियसली वो कब जाएगा बैंक के अंदर, 1st नवंबर को, जो नेक्स्ट डेट बन रही है। ओके, तो बैंक में जो है वो जाएगा 1st ऑफ नवंबर को। ओके, अब वो बैंक में गया, उसने चेक जमा करवा दिया। ओके, नाउ आपने क्या किया है यहाँ पे, अगर आपकी बात करें तो आपने क्या किया कि आपने कैश कैश बुक पे बुक में एंट्री ही कर दी। जो एंट्री है यहाँ पे, एग्जैक्टली यहाँ पे एंट्री आपने कर दी 30th अक्टूबर को, अपनी बुक्स में आपने लिख लिया कि मैंने उसको चेक दे दिया,
राइट। लेकिन जो चीज है यहाँ पे वो है टाइमिंग डिफरेंस, और टाइमिंग डिफरेंस इस तरह से, क्योंकि देखें वो बैंक में कब गया है, 1 नवंबर को गया। अब उसकी पेमेंट उसी दिन तो नहीं आ जाएगी, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया 4 to 5 days लगते हैं थ्री वर्किंग बैंक क्लियरिंग डेज, फोर टू प्रोसेस। फाइव डेज, राइट। यस यस एग्जैक्टली, 3, 4, 5 days, इवन उससे ज्यादा भी कभी कभी लग जाते हैं, राइट। तो लेट्स से कि 1 week जो है, क्योंकि 2 days तो ऑफ होते हैं, तो 1 week उसकी पेमेंट को लग जाएगा, तो वो नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक हमारे बैंक में कट होएगी, आपके बैंक में से कट होएगी वो। ओके, तो दैट मींस कि आपकी कैश बुक में फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर में ये शो हो रही होगी, राइट। लेकिन बैंक में जो बैंक स्टेटमेंट आएगी तो अक्टूबर में शो नहीं नवंबर होगी, नवंबर में शो होगी। एग्जैक्टली नवंबर, एग्जैक्टली राइट। एग्जैक्टली, दैट इज राइट। ठीक है, तो यही टाइमिंग डिफरेंस है, क्योंकि एक चीज आपने अपने इंटरनल रिकॉर्ड्स में अक्टूबर में रिकॉर्ड की हुई है, राइट, एंड बैंक में जो एक्सटर्नली आपको आ रही है वो नवंबर में हुई हुई है। ओके, तो नवंबर, इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अक्टूबर में ही ये बैलेंस करेक्ट करना पड़ेगा। हम अपने टाइप की एक बैंक स्टेटमेंट बनाएंगे, जिसका भी मैं फॉर्मेट बनाता हूँ। एक तो बैंक स्टेटमेंट होती है ना जो बैंक से आती है, वो तो जस्ट पेपर पे लिखा होता है, देख कैश सकते इन कैश आउट, कैश इन हैं। कैश आउट, ठीक है। लेकिन हम एक अपने तरीके की एडजस्टेड बैंक स्टेटमेंट बनाएंगे जो हमारे तरीके की होगी, राइट। और इसमें क्या होगा कि ये जो पेमेंट है ये हम अक्टूबर के अंदर ही लिखेंगे, ऑल्दो वो नवंबर के अंदर आई होगी, बट हमने क्या करना है, ये देखें ये रूल क्या लिखा हुआ है, बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को कैश बुक से एग्री करना है। दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बैंक स्टेटमेंट के क्लोजिंग को कैश बुक के क्लोजिंग से एग्री करना है। तो अगर एक पेमेंट कैश बुक में इस मंथ में लिखी हुई है, तो बैंक स्टेटमेंट में भी इसी मंथ में आनी चाहिए, इसीलिए हम एक एडजस्टेड बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं। ओके राइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया अनप्रेजेंटेड चेक्स। ओके, अब सिमिलरली अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स भी ऐसी होती हैं, यहाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स, डिपॉजिट्स भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये हमेशा रिलेट करती हैं पेमेंट रिसीव से, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ रिसीव, ऊपर से ये पेमेंट, यहाँ पे है रिसीव। ओके, नाउ इसमें क्या होता है कि अगेन सेम एग्जांपल, या लेट्स से डेट्स को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, लेट्स से आज है 29th नवंबर, 29th नवंबर, राइट। एंड यहाँ पे रिसीव्ड की बात हो रही है, ठीक है। आपने लेट्स से मैंने जो है आपको कुछ सामान सेल किया, राइट। तो दैट मींस मुझे कैश मिलना है यहाँ पे रिसीव होने, राइट। तो 29th नवंबर को क्या हुआ कि लेट्स से आपने मुझे चेक दिया और मैंने उसी डेट को ही रिकॉर्ड कर लिया अपने पास, ठीक है। लेट्स से वो चेक था $500 का, राइट। तो मैंने कैश बुक में ये उसी दिन रिकॉर्ड कर लिया अपनी कैश बुक में, बिकॉज मैं अपनी बुक्स की बात करूँ, कंपनी बुक्स की, ठीक है। 500 का जो कैश बुक में, उसमें मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे। ओके, सही हो गया। अगेन लेट्स सपोज 8 बज गए, 8 PM हो गए, राइट। एंड इसके बाद क्या होता है कि ऑब्वियसली लेट्स से कल भी एक वीकेंड है, हॉलीडे है, राइट। तो 30th नवंबर को तो बैंक बंद है, इस पे तो मैं नहीं जा सकता, राइट। तो व्हेन आई विल गो, मैं जाऊंगा बैंक में 1st दिसंबर को, राइट। दिसंबर 1st दिसंबर को मैं जाऊंगा, राइट। तो इसमें क्या होगा कि अब मैंने तो अपनी कैश बुक में ये एडिशन कर ली है यहाँ पे, राइट। नवंबर के मंथ में ये मैंने कैश बुक में शो कर दिया, मतलब कैश बुक में कभी शो हो रहा है नवंबर में, लेकिन बैंक में ऑब्वियसली 4 to 5 क्लियरिंग दिसंबर डेज लगेंगे, राइट। और लेट्स से बाय में आ गया बैंक सिक्स सेवन स्टेटमेंट। डिसंबर 6-7 दिसंबर ये मेरे बैंक में ऐड हो जाएगा, बैंक में पेमेंट आ जाएगी फाइनली, राइट। तो दैट मीन्स मेरे बैंक स्टेटमेंट में पेमेंट कब आ रही है, ये आ रही है दिसंबर में, दिसंबर मंथ ऑफ दिसंबर में। लेकिन कैश बुक में कब आ रही है, नवंबर के अंदर, बैंक स्टेटमेंट में आ रही है नवंबर के दिसंबर अंदर। के अंदर। तो अगेन आप देखें डिफरेंसेस आ गए, राइट। तो दैट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक अपनी एडजस्टेड बैंक स्टेटमेंट बना के इसको नवंबर के अंदर ही शो करना पड़ेगा, सो दैट दोनों बैलेंसेस इक्वल हो जाएं। इन एक्चुअल रियलिटी वो आया है दिसंबर में, यस दैट इज करेक्ट, नो डाउट। लेकिन जस्ट फॉर रिकंसिलिएशन पर्पज, बैलेंसिंग पर्पज, क्योंकि देखें बैलेंसिंग बहुत जरूरी है बैंक और कैश की, इस तरह आपको पता चलता है कि कोई कैश थेफ्ट तो नहीं हो रहा, कैश की चोरी तो नहीं हो रही, राइट। कैश मिसिंग तो नहीं जा रहा, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, इसलिए रिकंसिलिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो जस्ट फॉर इमेजिनेशन पर्पज हम एज्यूम करते हैं कि हमें जो पेमेंट है नवंबर में रिसीव हो गई है, क्योंकि कैश बुक में भी यहीं पे थी। ओके राइट, नाउ हम क्या करते हैं, अच्छा एक चीज मैं भूल गया, यहाँ पे कैश बुक में जो ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ पे आता है, अगर बैलेंस अवेलेबल हो तो,
अगर कैश बैलेंस अवेलेबल हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया होता है। ओवरड्राफ्ट इज काइंड ऑफ अ लोन, ठीक है। लोन अगर आपने लिया हो क्रेडिट तो ये क्रेडिट साइड पे आता है, बिकॉज इट्स अ लाइबिलिटी, राइट। तो कैश हमारा एसेट था, दूसरी साइड पे इसकी लाइबिलिटी आएगी। ओके, अब बैंक स्टेटमेंट में ना ये चीज़ उल्टी हो जाती है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये मेरी बन गई बैंक बैंक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एग्जैक्टली, ओके। और ये मेरी वाली है, मेरे मुताबिक वाली, मतलब ये बैंक, एक तो होती है ना बैंक वाली बैंक स्टेटमेंट जो प्रिंटेड फॉर्म में हमें आती है, जिसमें ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस लिखा होता है, ये वो नहीं है, ये एडजस्टेड बैंक स्टेटमेंट है हमारे वाली, क्योंकि ये हम मेक कर रहे हैं ना, ये बैंक वाले तो नहीं कर रहे, राइट। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग हमेशा जो ओपनिंग बैलेंस है, अगर बैलेंस मौजूद हो, अगर पॉजिटिव बैलेंस हो, तो ये क्रेडिट पे आता है। अच्छा, अब क्यों, इसकी रीज़न क्यों है, इसकी रीज़न क्या है, इसका जो बैलेंस में ओपनिंग है, अगर कैश अवेलेबल हो, मैं क्रेडिट पे क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज बैंक वालों के लिए हमारा पैसा क्या होता है, लाइबिलिटी होती है। ओके, इट्स लाइक वी लेवलिटीज हैव गिवन लोन टू बैंक। ओके, लेट्स से आप बैंक वाले हैं, राइट, और मैंने आपके बैंक में पैसे रखवाए हैं। ओके, तो दैट मीन्स आपकी लाइबिलिटी होगी, मैं किसी वक्त भी वो पैसे निकाल सकता हूँ, तो दैट मीन्स तब आपकी लाइबिलिटी में रिडक्शन होगी और मेरे एसेट में रिडक्शन होगी, राइट। लेकिन लेट्स से मैं आपके बैंक में एक दिन आता हूँ और 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट कर लेता हूँ, उसमें जमा करा के चला जाता हूँ, राइट। तो उसमें क्या होगा, आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी और मेरा एसेट बढ़ जाएगा, राइट। तो एक साइड पे एसेट अफेक्ट हो रहा होता है एक पार्टी को, और बैंक वालों की लाइबिलिटी अफेक्ट हो रही लेवल होती है। तो बैंक वालों के लिए हमेशा कस्टमर का पैसा लाइबिलिटी होता है, ओके, राइट। तो इसीलिए राइट, ओपनिंग बैलेंस जो भी होगा, अगर पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे आ रहा होगा, लेकिन अगर ओपनिंग बैलेंस अगर ओवरड्राफ्ट का हुआ, बट ये तो हमारा एडजस्टमेंट बैंक स्टेटमेंट है, तो उस इस बट तो फिर अवेलेबल बैलेंस क्रेडिट पे क्यों होगा, ये बिकॉज देखें इसमें तो बैंक वाल। हम जो फिगर्स है ना, वो बैंक स्टेटमेंट वाले ही यूज़ करेंगे, जो बैंक वालों ने हमें भेजी है ना बैंक स्टेटमेंट, ओके ओके अच्छा वो यूज़ करेंगे। लेकिन जो एडजस्टमेंट्स हैं, जो जस्ट एडजस्टमेंट्स हैं, वो हम अपनी करेंगे, ओके, राइट। इसका मतलब उसमें है ये जो मतलब बैंक हम सोचेंगे बैंक की तरह ही, लेकिन एडजस्ट एडजस्ट करेंगे हमारी तरह, राइट। यस यस यस, एग्जैक्टली, ऐसे ही है, एग्जैक्टली, ओके। ओके नाउ ओके अनप्रेजेंटेड चेक्स जो हैं वो आते हैं यहाँ पे, अनप्रेजेंटेड चेक्स ये आते हैं यहाँ पे, राइट। एंड अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स जो हैं, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स कह क्रेडिट लेता हूँ मैं, लॉजमेंट्स थोड़ा लंबा वर्ड है, ये आती हैं यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे मैंने क्यों लिखा, बिकॉज बैंक स्टेटमेंट में ये साइड प्लस होती है एंड ये साइड माइनस होती है, बिकॉज उल्टा होता है ना, माइनस लाइबिलिटी होती है, राइट। तो जो भी डिपॉजिट्स हैं, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ये लॉजमेंट्स वाला डिपॉजिट्स भी हैं ये, तो ये चीज़ जो है यहाँ पे आती है, यहाँ पे हम लिखते हैं उसी सेम मंथ में जिसमें कैश बुक में आई हुई है, ओके। जब हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगी, ओके। लेकिन जो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, ओके पेमेंट सारी डेबिट साइड पे आ रही होती है बैंक स्टेटमेंट की, बिकॉज बैंक वालों के लिए जो भी पेमेंट होती है कस्टमर का, लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटी डिक्रीज करता है, राइट, एग्जैक्टली। डिक्रीज करता दैट मीन्स अनप्रेजेंटेड चेक्स हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, ओके। और क्लोजिंग बैलेंस अगेन दोनों साइड पे आ सकता है, अगर पॉजिटिव है तो यहाँ आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस, ये ऊपर हमने लिखा है, है। ओके ओके। ये हमारा बैंक स्टेटमेंट करंटी अकाउंट कंप्लीट हो गया, ओके। एंड दिस आई वुड से ये हमारा टोटल बैंक रिकंसिलिएशन का टॉपिक था, राइट। इसमें दो टाइप की चीज़ें थी, एक तो हमने ये देखना था कि कैश बुक में ऐसी कौन सी चीज़ें जो बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, और बैंक स्टेटमेंट में कौन सी ऐसी चीज़ें जो कैश बुक में नहीं है, ओके। दोनों हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सेकंड वाली मैंने वो लिखी है, और फर्स्ट वाली मैंने फर्स्ट पॉइंट इसका एक्सप्लेन किया, ओके, राइट। तो एनी क्वेश्चंस, समझ आ गया आपको, एवरीथिंग क्लियर, नॉट ओके। अब ये जो एग्जांपल है, हम ये बुक से ही डिस्कस कर रहे हैं, ये स्टडी टेक्स्ट में ही है, गिवन है। अब ये जो अगर आप बुक में से टॉपिक पढ़ेंगे, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। इसमें ये कोई इजी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है, डायरेक्ट डेबिट क्या है। अब ये जो मैंने चीज़ें आपको ओके बताई हैं ना, ये मैंने आपको टी अकाउंट से बताई हैं, राइट। ये बैंक स्टेटमेंट का टी अकाउंट है एंड ये है कैश बुक का टी अकाउंट, राइट। लेकिन बुक में फेसबुक टोटली ऑपोजिट हुआ हुआ है, मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह हुआ हुआ है। इन्होंने ना देखें इस तरह किया हुआ है, बैंक रिकंसिलिएशन ये ऐसे बनाते हैं, विच इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसमें लेस और प्लस और लेस और प्लस इस तरह ऐड आपको समझना पड़ता है, राइट। एंड दैट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। टी अकाउंट से अगर आप समझते हैं तो इट इज़ मच मच मोर
प्रिसाइज और काफी बेहतर उसमें समझ आता है। इट इज इजियर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसे ही है। ओके नाउ अब ये जो एग्जाम्पल मैं करूंगा ये मैं इसी टी अकाउंट अप्रोच से करूंगा जो मैंने आपको अभी नोट्स में समझाई है। ओके तो इसको देखते हैं। ऑन 31 मार्च X3 द बैलेंस ऑन बैंक लेजर अकाउंट वॉज डेबिट ऑफ 1042। ओके तो दैट मीन्स बैंक लेजर हमेशा क्या होता है, हमारा कैश बुक होता है। जब भी वो लेजर कह देगा दैट मीन्स ये हमारी इंटरनल बुक है, कैश बुक है। ओके ये कैश बुक का बैलेंस है। ओके नाउ एट सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 838। तो दोनों का उसने बैलेंस बता दिया, बैंक स्टेटमेंट का भी राइट और कैश बुक का भी। ओके नाउ ओपनिंग बैलेंस अब ये जो चीज है, यस एग्जैक्टली ओपनिंग बैलेंस, द फॉलोइंग वॉज देन डिस्कवर्ड। ये फाइव चीजें हमने डिस्कवर की फिर। ठीक है फर्स्ट चीज क्या है, बैंक चार्जेस ऑफ 24 वर शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट बट हैड नॉट बीन एंटर्ड इन टू द कैश पेमेंट्स डे बुक। ओके दैट मीन्स राइट कैश बुक में उसको एंटर नहीं किया गया बट बैंक स्टेटमेंट में हुए हैं। ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट भी चीज पड़ी है पर चार्ज कि ये बैंक स्टेटमेंट में आते हैं राइट ऑलवेज, कैश बुक में नहीं आते। तो ये हम कहाँ करेक्ट करेंगे, कैश बुक में। ओके अब मैं फेसबुक इसको किस तरह करूंगा क्वेश्चन को, या मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है मैं दोनों अकाउंट्स यहाँ बनाऊंगा बिकॉज आई नो कि कुछ एडजस्टमेंट्स यहाँ कैश बुक की होंगी और कुछ यहाँ बैंक स्टेटमेंट की होंगी। बैंक स्टेटमेंट की ये है कैश बुक एंड दिस वन इज बैंक स्टेटमेंट। ओके नाउ कैश बुक का पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं, 1042 डेबिट 1042, एंड बैंक का क्या था, क्रेडिट बैलेंस 838। 838 ओपनिंग, दैट मीन्स ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। नाउ एक चीज यहाँ क्लियरली समझ आ रही है कि कैश है हमारे पास, नो डाउट कैश है, लेकिन एक जगह 1042 का कैश है और एक जगह 838 का कैश है। तो देर इज डिफरेंस राइट। अब ये डिफरेंस कैश बुक में भी हो सकता है, बैंक स्टेटमेंट में भी हो सकता है, इसीलिए ये चीज़ें हमें दी हुई हैं, ये डिफरेंस को एक्सप्लेन करी है सारी चीज़ें। ओके नाउ ये जो 24 का बैंक चार्जेस हैं ये हम यहाँ पे लिखते हैं, बैंक चार्जेस 24, ये हमेशा कैश बुक में ही आएंगे राइट, जैसे अभी हमने देखा। ओके सेकेंड वाला, द चेक पेमेंट्स डे बुक हैड बीन अंडर कास्ट बाई 100। अब ये देखें चेक पेमेंट डे बुक की बात करें, ठीक है दैट मीन्स कैश बुक की बात करें, क्योंकि डे बुक आपको याद है कौन सी थी, सेल्स डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न और कैश बुक। हमारे पास कोई बैंक बुक नहीं फेसबुक होती राइट, देर इज नथिंग एज बैंक बुक, देर इज कैश बुक, और कैश बुक वही है जो हम इंटरनली क्रिएट करते हैं। नाउ इसमें पेमेंट साइड भी होती है, रिसीट साइड भी होती है, तो ये गलती कहाँ पे, पेमेंट साइड पे। अब पेमेंट साइड क्या हुई है, सेट अंडर पे कास्ट बाय 100, दैट मीन्स 100 से कम लिखी हुई है ये। ओके तो हमें 100 से बढ़ानी पड़ेगी, पेमेंट साइड है राइट, तो दैट मीन्स हम एक्स्ट्रा पेमेंट ऐड कर देते हैं यहाँ पे 100 की, माइनस साइड ये है ना राइट। कैश पेमेंट बुक अंडर स्टेट हुई हुई थी, अंडर कास्ट, तो मैंने पेमेंट को मजीद बढ़ा दिया यहाँ पे। ओके दैट मीन्स ये एरर टू की करेक्शन होगी, एरर टू। ओके नाउ अब हमारे पास क्या हुआ है, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट ऑफ 70 अपेयर्ड ऑन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट ऑन द कैश बुक। वेरी इजी, स्टैंडिंग ऑर्डर भी अभी मैंने आपको बताया ये भी कैश बुक में ही आता है। एक सेकेंड। ओके तो स्टैंडिंग क्रेडिट ऑर्डर राइट साइड पे ये कितने का था, 70, 70 यहाँ पे लिख दिया। ओके नाउ डी ऑप्शन देखते हैं, चेक्स ड्रॉन बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर 120, 60 एंड 35 हैड नॉट येट बीन प्रेजेंटेड एट द बैंक बाय 31 मार्च। चेक्स दे तो दिए हैं हमने, फिजिकली दे दिए हमने, लेकिन बैंक में काउंटर पे प्रेजेंट नहीं हुए अभी तक राइट, एंड देयर फोर डिड नॉट अपेयर ऑन द अनप्रेजेंटेड बैंक स्टेट राइट। दैट मीन्स ये कैश बुक में, अब मैं आपको प्रैक्टिकल इसकी इम्प्लीकेशन समझा रहा हूँ, कैश बुक में ये मार्च में ही आ रहे होंगे राइट, बट बैंक स्टेटमेंट में कब आएंगे, नेक्स्ट मंथ अप्रैल में राइट। तो दैट मीन्स हमने इसको ड्रैग बैक करके यहाँ पे लाना है, मार्च में ही इसको एंटर करना है। ओके तो दैट मीन्स कि 120 प्लस 60 180 एंड 215 बनता है राइट, आई थिंक यस 215 बनता है इन तीनों का। तो ये 215 जो है मैं कहाँ एंटर करूँगा, यहाँ पे अनप्रेजेंटेड चेक 215, क्योंकि अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्रेडिटेड लॉजमेंट हमेशा बैंक स्टेटमेंट में आती हैं राइट। सही हो गया। ओके जस्ट अ सेकेंड। राइट ओके नाउ अब देखते हैं लास्ट वाला ही रह गया, अ चेक रिसीड फ्रॉम अ कस्टमर ऑफ 225 हैड बीन पेड इनटू बैंक अकाउंट ऑन 30 मार्च बट डिड नॉट अपियर ऑन द बैंक स्टेटमेंट अंटिल 3 अप्रैल। मतलब कि 4 डेज का क्लियरिंग प्रोसेस है राइट। तो बैंक में तो आए हुए हैं 30 मार्च को राइट, लेकिन बैंक स्टेटमेंट सॉरी हमने तो अभी लिखा हुआ है बट बैंक स्टेटमेंट में कब आए हैं, 3 अप्रैल को, मतलब नेक्स्ट मंथ बैंक स्टेटमेंट में शो होंगे। ओके राइट तो दैट मीन्स ये भी अनक्रेडिटेड लॉजमेंट में हम लिखेंगे। लॉजमेंट
यस 225 बैंक स्टेटमेंट के टीए का। यस दैट इज राइट एग्जैक्टली। नाउ लेट्स सी कि हमारा बैलेंस इक्वल आता है या नहीं। जस्ट 1 सेकंड दें, मैं कैलकुलेटर ले आऊँ। 1 सेकंड। ओके सो इसका तो यहाँ पे हम हैवी लिखेंगे क्योंकि हैवियर साइड पे टोटल लिखना होता है 1042। 1042 हाँ ये कॉल आता है। तो 1042। ओके आपने कर लिया, इक्वल आ रहे। ओके यस लेट्स डबल चेक। ये आता है यहाँ पे क्रेडिट पे 848 एट एंड फॉर इट यहाँ पे 838 प्लस 225 1063। तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे यहाँ आएगा क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे 1063 एट फॉर माइनस 215। यस एग्जैक्टली 848। दैट्स वेरी वेरी एट वेरी फॉर नाइस एट क्योंकि हमारा इक्वल आ गया बैलेंस। दैट मीन्स हमने क्वेश्चन बिल्कुल जो है परफेक्ट किया, यहाँ पे बिल्कुल सही किया। अब देखें यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, कॉम्पिटिशन वेरी होता वेरी कन्फ्यूजिंग अप्रोच, वेरी कन्फ्यूजिंग अप्रोच। ये देखें दिस इज नॉट टू बी फॉलोड। ये कभी भी आपने फॉलो नहीं करना क्योंकि अगर ये मैं ओके समझाऊं भी ना आपको तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगा ये, बिकॉज इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। लेस ये करना है, ऐड ये करना है। यू सी टी अकाउंट अप्रोच इज वेरी इजी एंड इट इज प्रैक्टिकल एज वेल। प्रैक्टिकल भी है और इजी भी है, राइट तो इसमें भी देखें बैलेंस यही आ रहा है कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस ये है। तो दोनों का ये होना चाहिए, कैश बुक का भी और बैंक स्टेटमेंट का भी। 848 ओके गॉट राइट इट राइट। तो यस।